अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे चांद जैसी बेटी से नवाजा है जी। तो आज 2 दिन की हो गई है दोस्तों ये, माशाल्लाह। कल मैं आपको दिखा नहीं सका, तो देखें माशाल्लाह अल्लाह ने कितनी प्यारी रहमत से नवाजा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आपने प्यारा सा हमारी गुड़िया के लिए नाम बताना है जी। तो जो दोस्त बताएंगे नाम, उन्हीं में से कोई नाम फाइनल करेंगे। आज मैं 2 दिन से खुशी की कोई इंतहा नहीं है जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हो गई हैं, 2 बेटे जी, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है दोस्तों। अभी डेरे पर जा रहा हूँ, तो ये गुड न्यूज़ आप दोस्तों को सुनानी थी दोस्तों। मैंने प्यारा सा नाम बताया दोस्तों इसके फेस के हिसाब से। देखिए आप दोस्तों को देखकर ये मुस्कुरा रही है जी। तो रहमत घर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। डेरे पर पहुँचे हैं दोस्तों। सबसे पहले कबूतरों को दाना डालना, फैंसियों का दाना डाल दिया। अब दूसरों की बारी है जी। फैंसी देखें माशाल्लाह खाने में मसरूफ है दोस्तों। और अंदर चेक करते हैं, शिराजी जो है हमारे, इनके अंडे में से शायद नहीं, अभी नहीं निकला दोस्तों, लेकिन जल्द ही बस बच्चा निकलने वाला है इस अंडे में से दोस्तों। मुझे लगता है ये अंडा अभी थोड़ा सा तिड़का पड़ा है दोस्तों। नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। इंडियन लक्के दोस्तों, इंडियन लक्कों को दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मास्टर केज में, वहां पर जहाँ पर पहले इनसे अंडे लिए थे हमने, वहीं पर इनको शिफ्ट कर रहे हैं जी। इधर दोस्तों बटेरों को देखें, मिट्टी में रखने लगे हैं। पैरट्स को भी रहा, पैरट्स और जो हमारा मिट्ठू है मोती का बच्चा जी, डॉग पप्पी दोस्तों, इसको भी यहाँ पर धूप में सेक रही है जी। मिली यहाँ पर है दोस्तों, और ये आ गए हैं धूप में। और इंडियन लक्कों का जो तो जोड़ा है दोस्तों, ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से अंडे नहीं उतार पा रहे जी, इनको नीचे ही शिफ्ट करते हैं हम जी। कुकड़ कुकड़ियों को, इनको सभी को खोल दिया है दोस्तों। इंडियन लक्कों की टोकरी उठा लाए, इनको नीचे रखने लगे हैं जी। इंडियन लक्कों का पैर जो है, इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है जी। तो यहाँ पर ये जल्द ही गर्भ, यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द ही अंडे उतार लेंगे अंदर। वहाँ पर ये ब्रीड नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, ऊपर बैठते ही नहीं थे। तो यहाँ पर पहले हमने चंद दिन ही इनको रखा था, यहाँ पर एक ही केज है, इजी रहेंगे। जल्द ही इंशाल्लाह ये अंडे उतार लेंगे जी। क्रॉस होते हुए मैंने कई दफ़ा देखा, लेकिन शायद इन्होंने ऊपर अंडा उतारा भी हो, नीचे गिरकर टूट गया, ऐसा कोई सीन हुआ हो तो मुझे पता नहीं। अंडा का भी कोई निशान हमें मिला नहीं है। तो खैर यहाँ पर इंशाल्लाह ये जल्द ही ब्रीड करेंगे जी। देखिए कैसे दोनों ही एक ही टोकरी में बैठ गए हैं दोस्तों। रैबिट्स को दोस्तों खोलने लगे हैं जी। देखो एक आ गया, दूसरा किधर गया जी। ओए इन्होंने देखे दोस्तों, ओए मट्टी से सुराख है तो निया बढ़ते पे रहे भाई, निया बढ़ते पे ने। तो दोस्तों इधर हमने इनके लिए सुराख बनाया, इधर करने की बजाय देखे इधर इन्होंने सुराख बना रहे हैं जी। ये घर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया जी। यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, देख भी नहीं सकेंगे जी हम इनको यहाँ पर। तो देखे कैसे वो लगा हुआ, तो मारता है, खोलने लगा हुआ जी फर्स्ट टाइम। काफी दिन हो गए हैं इसको, उम्मीद है कि ये हमारे घर का पक्का हो गया होगा दोस्तों। माँ जी के साथ तो ये बड़ा उलझता है, तो इसको खोलते हैं थोड़ा सा बाहर। कुकड़ कुकड़ियों के साथ फिर लेगा दोस्तों ये। देखे दोस्तों बाहर निकलना चाह रहा है, इसके पाँव मुड़े हुए हैं, कितना प्यारा दोस्तों। माँ जी इसके लिए हमें कोई और नहीं, हमारे मेरे पीछे पड़ा हुआ बाद मेरा ख्याल है मुर्गियों की तरह ही रह सकते हैं जी। तो जहाँ से हमने लिया है वो बता रहे कि वहाँ पर ये आज़ाद ही रहता था। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुकड़ कुकड़ियों के साथ किसी से इसकी झड़प हो गई तो इसके कील इतने बड़े बड़े हैं, इसने छोड़ना नहीं किसी को भी दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैक्टर का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने रास्ते को भी सेट कर रहे हैं जी। तो ट्रैक्टर है रास्ता, ये ऊंचा नीचा घोड़ियों को दौड़ाने में मसला बनता है, तो ये सेट हो जाएगा। इधर उधर से बैठा हुआ वो भी एक जैसा हो जाएगा जी।
ये ना दोस्तों, आज हमारा प्लाट जो है वो बिल्कुल रेडी हुआ है जी। इधर से अब रास्ते को इसको सेट कर रहे हैं, उधर से रास्ता भी सेट हो गया है। इसको खोला है दोस्तों, परी लूसन में पहुंच चुकी है, अब रानी को भी खोल दिया। सीधी ये परी के पास जाएगी, ट्रैक्टर हमारा वापस जाने लगा, प्लाट हमने सेट कर लिया। ठीक है, तो अब दोबारा जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले आएंगे। फिलहाल अब हमें दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, दोनों बाहर पहुंच चुकी हैं, अब इनको घंटा दो घंटे दोस्तों आज़ाद फिर कर अपना पेट भर लेंगी। नुकसान तो करती हैं पट्ठों का, सारे पट्ठे गिरा देती हैं, लेकिन इन्हीं के लिए है जी। ये गिरा भी दें तो ये पट्ठा हमारे लिए फिर भी काफ़ी रहेगा दोस्तों। गायों के लिए दोस्तों इस जगह पर हम किले लगा रहे हैं जी। किले लगाकर गायों को बाहर लाकर बांधते हैं जी। अब दीवार के साथ बने रहेंगे, प्लाट सीधा पदरा हो गया, अब फिक्र नहीं है दोस्तों। देखें, बिल्कुल घोड़ियाँ हमारी दोनों भाग गई हैं उधर मामू लियास के। तो दोस्तों दोनों घोड़ियाँ भाग गई उधर मामू लियास के डेरे की तरफ, और अच्छी खासी तबाही मचा कर आई है। इतने में ही गुलामा आ जाना है जी। भाई इधर से देखें, ये फिर से निकलना, बन लगा था मैं एक बार बन लेना, मस्ती से आई खड़िया ने। देखिए अब इन्होंने काबू भी नहीं आना दोस्तों। बस बस इन्हें टिकन दे एक बारी, और रानी बांध ले, रानी बांध ले, उनकी वजह तो कर दी है। देखिए दोस्तों ये काबू ही नहीं आ रही, इसके काम देखें। मामूली आस के डेरे तलक चक्कर लगा कर आई है दोस्तों ये। रानी को बांध देते हैं तो फिर ये टिक जाएगी दोस्तों। मस्ती पकड़ रही है, दरअसल आज़ादी इसको आज मिली है तो अपनी आज़ादी के मज़े ले रही है जी। ये देखें फिर से जाने लगी है। ओए काम देखें दोस्तों इसके, बिल्ला बिल्ला बिल्लो और गब्बर, गब्बर और बिल्लो भी दोस्तों। ये काम देखें, मच्छर गई है। इसको पकड़ कर बांध ही दिया है दोस्तों, इसने नुकसान करना था बांध दिया। अपनी खुद की फसलों की तो खैर है, फिर आस पड़ोस से फिर शिकायत आती है तो बंदा अच्छा नहीं लगता जी। तो खैर अपना पेट भी ये भर चुकी है। काजल के आगे हमने कुतरा हुआ चारा डाल दिया था, वो कुतरा हुआ चारा खाने में मसरूफ़ है। इन्होंने आज़ाद फिर कर अपना पेट भर लिया है जी। दो दिन के बाद मवेशी आज फिर से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। इनकी खुरानी भी बाहर ला कर रखते हैं, और खुरानियाँ दोस्तों हमने दो नई बनवाई हैं, कल या परसों तक इंशाल्लाह बनकर आ जाएंगे। एक घोड़ियों की, एक गायों की, बाहर के लिए पक्की खुरानियाँ बन जाएंगी जिनकी। ट्रैक्टर जो है दोस्तों वापस चला गया है जी, और दोस्त आए हुए थे बैठ गए, टाइम काफ़ी गुजर गया जी वहाँ पर कुर्सियाँ रख कर जी। अब कासिम भी जा रहा है गायों के लिए पट्ठे बनाने के लिए, तो आपको अपने बाकी बर्ड्स जानवर दिखाते हैं दोस्तों। सिल्की मुर्गियों को दोस्तों हमने देखे यहाँ पर बाहर खोल दिया, और जापानियों को यहाँ पर खोल दिया है जी। तो ये अपना इनको फिर पूरा टोरा फिरा धूप वगैरह मिल जाएगी, लेकिन ये भी अंदर जाने को ही सोच रहे हैं। सिल्की जो मेल है इसने दोस्तों हमारा जापानी जो मुर्गा है इसको ज़ख्मी किया था जी, और अभी भी देखें इनके चक्कर में ही यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारा ये वाला रेबिट्स दोस्तों मुझे ये ढीला ढीला सा लग रहा है, या पता नहीं धूप में ये जानबूझकर बैठा हुआ। दूसरा देखें, इनका केज का दरवाज़ा खुला है, और मादी दोस्तों अंदर अपना घर बनाने में मसरूफ़ है जी। देखें कभी बाहर आ जाती है, कभी यहाँ पर ये धूप से उठ रहा है जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ढीला ढीला लग रहा है, मुझे लगता है कि इसको कोई नज़ला वगैरह हुआ हुआ है जी। तो दोस्तों अब बकरियों को देखें गंदम की फसल में लेकर जा रहे हैं, कल इनको लेकर गए थे, आज देखें खोलते ही सीधी ये उधर को ही गई है जी। बकरे को अब पता चला है, ये भी भाग कर देखें उधर को जा रहा है, तो गंदम की फसल के अंदर इनको छोड़ते हैं। बकरियाँ देखें पहले लूसन में हाथ साफ करेंगी दोस्तों, फिर उधर को जाएंगी। हमारी लेली जो है ये दूसरी बकरियाँ इसको डरा कर रखती हैं दोस्तों, ये अकेली रह गई है, ये भी आ जाएगी जी पीछे पीछे। गाँव तक होकर आया हो दोस्तों, आधा घंटा एक घंटा बकरियों को गंदम में चरा लिया। इनका चारा कुतरा जा चुका है, घोड़ियों के लिए भी यहाँ से हमने चारा कुतर लिया, तो इनको अब अंदर बंद करते हैं जी, चारा इनके आगे डालते हैं, बाकी का अपना पेट जो है ये बाहर भर लेंगे जी।
इधर समा आया हूँ तो दोस्तों हमारी जो बच्ची है ये मट्टी खा रही है, इसके मुंह पर छक्की लगाने लगे हैं। अच्छी तो देखिए बकरा जो है हमारा ये जामुन के ऊपर कैसे खड़ा होकर दोस्तों पत्ते तोड़कर खा रहा है। जामुन को बकरा बहुत शौक से खाता है जी। तो देखिए दोस्तों इसको सुबह से खोला ही नहीं है जी, और ये खुलने के लिए बड़ा बेचैन है, इसको भी खोलते हैं जी। देखिए अंदर आई है दोस्तों तो इनके आगे चारा डाल दिया है, आज कुतरे की बजाय इनको हरा चारा डाला है जी। इसमें मज़ीद अपना जो रही खही कसर है ये पेट भर लेंगी, बाकी इनको फिर शाम को कुतरा डालकर उसमें दलिया डाल देंगे दोस्तों। तो का दरवाज़ा खोल दिया, इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकलने का पता ही नहीं है दोस्तों, गब्बर को बंद करना पड़ेगा अभी जी थोड़ी देर जी। इधर देखे बकरी के बच्चे भी हमारे, ये भी अपना पेट भर कर खड़े हैं। मिट्ठू की और मिली की दोस्ती करवाते हैं, इनको दोनों को वॉक के लिए बाहर लेकर जाते हैं। मिट्ठू को अब पता चला है कि इसका दरवाज़ा खुल चुका है दोस्तों, तो मिली को भी खोलते हैं। गब्बर को संभालना पड़ेगा, गब्बर ने गब्बर बाहर ही है दोस्तों, गब्बर को बंद करने लगे हैं दोस्तों। मिली को और मिट्ठू को खोला है जी, तो वो देखिए गब्बर उधर को निकल गया, उसको पता है कि मुझे बंद किया जाएगा, साइडों पर हो रहा है तो भी मैं बंद ना करो तो मैं एवें ही निकल जाना किसी पास जो तुम तो टेंशन है थे, लेकिन फिर भी इसको बंद ही करना पड़ेगा दोस्तों। मिली 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 मिली, तो ये लें दोस्तों मिट्ठू भी बाहर आ गया, और दरवाज़ा बंद कर दे। ये लें ओए मिट्ठू की फुर्तियाँ देखे जी, मिली और मिट्ठू इनकी दोस्ती हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर फिर रहेंगे। गब्बर बदमाश को बंद कर दिया है जी हमने, तो ये यहाँ पर देखें मिली की और इसकी जोड़ी देखें, फर्स्ट मुलाकात है दोस्तों। ओए ये तो गुस्सा कर रहा है, ओए गुस्सा कर रहा है दोस्तों, मिली से बदमाशी कर रहा है बल्कि, ये तो वो देखें मिली इससे, ये तो काटी भी कर रहा है दोस्तों मिली को। ओए गंदिया, मिट्ठू तो बड़ा दोस्तों ये डेंजरस है जी, मिली को इसने डरा दिया दो ही बार में दोस्तों। देखिए मिली को पकड़कर, ओए खेलना नहीं, खेलना नहीं चाह रहा दोस्तों, ये पंगे ले रहा है जी सीधे सीधे। ओए मिट्ठू मिट्ठू काम देखिए मिट्ठू के दोस्तों, मिली को बेचारी को डरा दिया है जी इसने, इसका बाप भी ऐसे ही मिली को उसने डराया था, और ये भी उसी की कॉपी है जी। ये बाहर खुला है तो ये भी अपने बाप की तरह मोती की तरह सुसु करेगा इधर उधर दोस्तों, ये एक घंटा लगाते हैं सुसु करने में। ये देखिए फिर से मिली के पीछे लग गया है दोस्तों, ये बिल्लो आ गए, बिल्लो ने बजा पीछे पर लो है, चल बिल्लो चल बिल्लो। बिल्लो का भी एतबार नहीं है दोस्तों, वहाँ पर वो मिली के साथ बदमाशी करे तो एक मिनट में बिल्लो जो है गुस्सा कर सकती है दोस्तों। ये देखिए फिर से मिली के पीछे लग गया, और मिली भागकर मेरे पास आकर छुप जाती है। मिट्ठू देखिए मिट्ठू के, ओए फिर से उसने पकड़ लिया मिली को दोस्तों, वो देखिए ओए मिली को भी अब गुस्सा आ गया है इस पर दोस्तों, मिली को भी गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। देखिए देखिए मिली उसके आगे सीधी हो गई है, कहती है कि ना 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 इंज नहीं करीदा ढोला। अब मिली भी इंजॉयमेंट कर रही है दोस्तों, मिली भी अब मजे कर रही है, मिली को पता चल गया कि इससे कैसे बचना है, वैसे ही अपनी सेफ्टी कर रही है। अब वो गया है तो इस तरफ आई है मिली, अब फिर से मिली को भी उसका चस्का पड़ गया, अब ये खुद ही उसके साथ पंगे लेगी दोस्तों। देखिएगा वो भी आ गया है जी भाग कर, काम देखिएगा इसके। ये निकल गए इधर, दोनों गब्बर की तरफ जा रहे हैं गब्बर से हेलो हाय करने के लिए। गब्बर देखें दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर देख रहा है, कहना मैं तो हूं बंद हाँ। ये फिर से मिली के पास जाएगा, घोड़ियों के आगे भी कुतरा आ चुका है दोस्तों, गायों के आगे भी कुतरा आ चुका है खान। ओए
काम देखे इसके, मुझे इतना मजा। ओए ओए बर्दाश्त से बाहर हो गया दोस्तों, मिली के मिली के बर्दाश्त से बाहर काम हुआ बड़ा। मिठू एडे पंगे नहीं लेते होंगे, एडे पंगे नहीं लेते होंगे। मिली के काम देखे मेरे, मैं बैठते ही मेरे कुछ पर इसने हमला आवर हो गई है। दोस्तों हमारे रैबिट्स जो है वो भी खुले हुए हैं जी, इधर इनकी मौज मस्तियाँ जा रही हैं। रैबिट्स को अंदर बंद करते हैं, वो देखें दूसरा वाकई रैबिट्स दोस्तों ढीला ढीला सा ही है जी, थोड़ा सुस्त सुस्त सा है। इसको पैनाडॉल टैबलेट देते हैं। मिली का और मिट्ठू का शौक देखकर दोस्तों बड़ा मज़ा आया है जी। तो देखिए अभी मिट्ठू ये अंदर जाने लगा है जी। मिट्ठू ये आ गया, दरवाज़ा इनका बंद कर देते हैं दोस्तों। और उधर जो पानी हमने खुले छोड़े उनको भी बंद करने लगे हैं जी। तो अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।